विश्वेश्वराय भवती प्रददाति भिक्षं व्यासादयोपि करुणं ननुजाचमाना एवं सतिस्तुतिपदं कमहं करिष्ये धत्रापि वन्दितपदे भवतु प्रणामं। जय मां दुर्गे। मां भगवती जगज्जननी जगदम्बा जगदात्मिका जोगमाया दशभुजंकर अहेतुकी कृपा करुणा को पाथेय करी पार्वण बेड़ा अवसर रे नंदीघोष टीवीर ए स्वतंत्र भक्ति अर्घ्य सिंहवाहिनी शक्ति प्रदायिनी मार ए नूतन अध्याय को आपण मानंको अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु आपण आम कार्यक्रम माध्यम रे देवींकर शास्त्रीय महिमा को श्रवण करिवा सहित मांकर भाव भक्ति सम्मिलित अनेक भजन जणानु को सुनी आनंद अनुभव करूथिबे। सेही क्रम रे आज आम सहित रहिचंती ओडिसार युवकंठ शिल्पी श्रीमती पल्लवी नायक महोदय। आपणको आम कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। थैंक यू सो मच। दर्शक बंधु मांकर महिमा बड़ विचित्र। जेतेबेले महाप्रभु दश अवतार रूप से प्रकटित होंती सेमिति देवींकर मध्य दशावतार रही जहाँ आम दश महाविद्या भाव ग्रहण करमु माँ भगवती उग्रतारा विशेष महिमा गान करा कारण तारा होती बृहस्पति इष्टदेवी एवं कहवा बाहुल्य केवल ओडिशा नुहंती भारत वर्षर जो दुई गोटी प्रधान तारापीठ रही तन्मध्यरु गोटे तारापीठ आमर ओडिशा रे अछंती खोर्धा जिल्लार भूषणपुर रे मांकर निवास जहां को आम लोकमुखरे तारादेवी बोली कहू किंतु मांकर शास्त्रीय नाम होचंती उग्रतारा। एमिति केहि नथिबे ओडिशावासी जहां बृहस्पति दशा जदि पड़ला अंतर्दशा किंवा बहिर्दशा ज्योतिष निश्चित कहिबे उग्रतारा निकट को जानतु आ मां को दुख जणांतु आ मां होचंती परम कृपामयी। मांकर कृपा लाभ करिबा बड़ सहज आज्ञा थरुटी निजों को मांक चरणार बिंदरे निउ छाड़ी दियंतु कोनसी स्तव स्तोत्र मंत्र जंत्र तंत्र प्रयोजन नाही। हे माँ मु आपणंकर शरणागत आपण को छाड़े मोर निजर बोली कहिया पई केही नांती। दर्शक बंधु से भाव जो दिन आपण हृदय प्रकटित हो उग्रतारा विशेष कृपा लाभ हम यह निसंदेह माँ मंदिर भूषणपुर ग्राम से अवस्थित माँ जो स्थान रही माँ गर्भगृहटी विस्तीर्ण नहले माँ सिंहासनासीना माँ निम्न भाग रे स्वयं शंकर भगवान निवास करुचंती हृदयदेश माँ भगवती तारा प्रकटिता होती माँ दंडायमान स्वरूप ठिया होती माँ चतुर्भुजा ना कौन कौन आयुध को धारण कर सुंदर भाव में माँ ध्यान को वर्णना करने को जा शास्त्र ए प्रकार मतनिवेश करती कर्तिं कपाळोत्पळे खड्गं चा दधति त्वमेव शरणं त्वामीश्वरी माश्रये। माँ होचंती चतुर्भुजा माँ निजर दक्षिण ऊर्ध हस्तरे खड्ग धारण करिचंती माँ निज बाम ऊर्ध हस्तरे कटारी धारण करिचंती माँ बाम निम्न हस्तरे कपाळ एवं दक्षिण निम्न हस्तरे उत्पल नील पद्म को धारण करिचंती माँ को महासरस्वती नील सरस्वती भाव ग्रहण करा जाय थाए। भूषणपुर ग्राम से जिते पालाकार माने ओडिशार विशिष्ट पालाकार मान जन्म भूषणपुर ग्राम से समस्ते नील सरस्वती देवी तारांकर शरणागत हूँ। हे तारा आपण टे कृपा करूँ आपण कटाक्ष पात हो गले आमर हृदय आमर मन में से धीप विद्या संपन्न हम बाक्स्फुरत्व आसव बाणी विलास हम आम आपण महिमा गायन कर। दर्शक बंधु उग्रतारा महिमा तो श्रवण करवा कि पूर्व श्रीमती नायक आपण कंठर देवी वंदना गुहारी मुझे भक्तिर फूल ओ जाड़ी मांगो करुछी की गुहारी मुझे भक्तिर फूल ओ
सुंदर भाव में माँ श्री चरणार बिंदरे जदि दवापाई कौन सी वस्तु थाए केवल निजर मन जी मन मन मुहिनी माँ को प्रदान करदे माँ को संपूर्ण शरणागत हो गला माँ तार सकल क्लेश को दूरीभूत करती यह निसंदेह आ दर्शक बंधु तार प्रत्यक्ष प्रमाण होती उग्रतारा पीठ जिते भक्त माँ को मंदिर को जाती माँ को मथा उपरे मंदार फूल प्रदान करिवार व्यवस्था रही अर्थात से लोकर नाम एवं गोत्र को उच्चारण कर उग्रतारा सेवक माँ को मथारे से नाली मंदार फूल दे थाए एवं से व्यक्ति भक्तिपूत भाव में माँ को प्रणाम करें माँ टी आप मो कथा बुझे मोर सकल असंभव कार्य को संभव करेबे आपण तो कर्तुंग अकर्तुंग अन्यथा कर्तुंग समर्था कारण आपणकर नेतृत्व में समग्र जगत परिचालित तो होची मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरण हे माँ आपण अनुग्रह करिवे दर्शक बंधु से परंपरा आज पर्यंत बलवत्तर अच्छी जे माँ को भावर सहित प्रार्थना करिव एवं से लोकर ना गोत्र रे नाली मंदार फूल दिया हेथिबो आपणा छाए माँ को मथारु मंदार फूल खसी जाइथाय एवं से लागी मंदार फूल को प्रसादी मंदार फूल को ये भक्त निर्माल्य भावरे ग्रहण करिथाय माँ आपणकर ये कृपार प्रतिफलन आक नहीं कि घर को मो कथा आपण को लगला माँ अनेक दुरारोग्य व्याधि पीड़ित व्यक्ति एवं अनेक प्रकार माली मकदमा जो व्यक्ति मानकर थाए यदि माँ को शरणागत हो था माँ ताक विनाश करते निसंदेह एतद भिन्न दर्शक बंधु ऐतिहासिक प्रमाण देखा मिली थाए निकटने मूली झरगड़ जोठार वीर पाइक मैंने अवस्थान करुले से युद्ध क्षेत्र को जाती माँ को 108 नाली मंदार माल देकर जाती जो दिन माँ को मंदार माल लाई करी जाई थांती से निश्चित भाव में युद्ध क्षेत्र में विजय लाभ करती तेणु ये हूँ माँ को महिमार स्पष्ट प्रतिफलन अद्यावधि भक्त मान समागम माँ निकट में हो दृश्य को देखापी आपण गले वर्तमान माँ को मंदिर को जीवे नाली मंदार फूल आपण ना गोत्रे माँ को प्रदान करदी माँ को कृपा आपण प्रति होगा माँ को मथर आपणा छाए फूलटी खसी पड़ो निर्माल्य स्वरूप ये हूँ माँ को विशेष महिमा जहाँ बर्तमान पर्यटन देखा मिलूँ ना आउ कौन माँ को विभव दर्शक बंधु माँ होचंती नवग्रह मध्य जे ग्रह मानंकर गुरु साक्षात गुरु बोली जहाँ को संबोधन करती बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति इष्टदेवी आउ माँ को से बधुली अधर मुखार बिंद आउ माँ को चतुरायुध को देखा पर भक्त मनर सकल प्रकार चिंता चेतना चिंतन दूरीभूत होता है मो माँ मोपाई अच्छा जमी पिलाटीए घरे माँ को देखीदे घर को प्रवेश मात्र के दांड दुआरे बो ठियाई थे आ बो को देखा पर संतान मन में अपुरंत साहस आसी जाए शक्ति आसी जाए बल आसी जाए समस्त प्रकार भय बाधा दूरीभूत हो जाए सेमिति जगन्माता दर्शन मात्र के उग्रतारा गर्भगृह माँ से विचित्र मूर्ति को दर्शन करवा मात्र के भक्तर समस्त प्रकार चिंता दूरीभूत हुए यही भाव प्रकटित होती आपण केत मंदिर मध्य को प्रवेश करेंगे माँ को सिंह बाहर अच्छा मंदिर बाहर एवं तापर माँ को जो प्रथम जगमोहन अच्छा से दस महाविद्या स्थानित कर समस्त महाविद्या से स्थान में स्थानित होती सत्यवा माँ निजर सपार्षद पार्षद मान सहित से अवस्थान करा कौन माँ को महिमा ना माँ को पश्चात भाग में गोटे पहाड़ अच्छी ता ना हाथियाशुणी पहाड़ हाथियाशुणी पहाड़ निम्न भाग ही माँ को मंदिर दर्शक बंधु लोककथार शुणा को मिलता है मंदिर निर्माण हवा पूर्व माँ हूँ स्वयं प्रकटिता माँ को मूर्ति को कहीं यानी जदिच मंदिर निर्माण कर माँ एक बकु वृक्ष मूल थे बौल गूल माँ थे माँ को दर्शन निम्ते नित्य से हाथियाशुणी पहाड़ बाघ हाथी और भालु समस्ते आसती माँ को दर्शन लाभ करने निम्ते माँ जेणु सचराचर जगतर जननी बर्तमान सेवा करुवा पुरुष
ଦେଖା ବୃଦ୍ଧ ସେବକମାନେ ସାମନ୍ତରା ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ସେବକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଦେଖିଛୁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତିନି ନିର୍ଜନ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନ ବାଘ ସିଂହ ଆସି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଚିଲିକାର ଜଳ ଆସି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଚିଲିକା ଏବଂ ଯାହାର ତଟ ଦେଶରେ ମାଆ ଉଗ୍ର ତାରା ତାରା ଦେଇ ଭାବରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ସତରେ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆଉ ଥରୁଟିଏ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରା କରିବ ନା ମାଆ ତାକୁ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଭୁକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି ଭୋଗ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ଦୁଇଟାକ ଦାନ କରିବେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲେ ଜୀବକୁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହେଇଥାଏ ମାଆ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୁଧ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ଗୋଟିଏ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛନ୍ତି ନା ଖଡ଼ଗ କାହିଁ ଧରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ କାଟି ପକାଇବେ ଜୀବର ଆଜ୍ଞା ଦଶ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି ଜନନୀ ଜନକ ସୁତ ବନ୍ଧୁ ଦାରା ଧନ ଜନ ଭବନ ସୁହୃଦ ପରିବାର ଇଏ ଦଶ ଗୋଟି ବନ୍ଧନକୁ ମାଆ କାଟିକିରି ମୋକ୍ଷ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ନିମନ୍ତେ ମାଆ ଖଡ଼ଗକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନାଉ କପାଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମାଆ ବ୍ରହ୍ମ କପାଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତର ମୂଳ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସେଥିପାଇଁ କପାଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ମସ୍ତିଷ୍କ ଧରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନୀଳ ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ଉଦ୍ଭାସିତା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳ ପଦ୍ମ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ପଦ୍ମ ଭଳି ତୋର ଜନ୍ମ ପଙ୍କରେ ହେଇପାରେ ହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରା କଲେ ପଙ୍କଜ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମଥାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବ ପଦ୍ମର ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ ପଙ୍କିଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ କେଞ୍ଚୁଆ ଧଣ୍ଡସାପ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁଗୁଣ ବଳରେ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ମାଆଙ୍କର ମଥାରେ ବସେ ଏବଂ ମାଆ ତାକୁ ଶ୍ରେୟଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବୋଧେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରା କରିବ ତାର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଣି ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଶ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ସାରା ଜଗତ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ତୀର୍ଥ ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରୂପ ଲାବଣ୍ୟର ମହିମା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଅନନ୍ତ ତାକୁ ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ବନ୍ଦନା
तारिणीकर नाम को स्मरण करवा मात्र के एवं माँ को निमंते नड़िया जाचना कले माँ तार समस्त अभीष्ट मनोवांछा को परिपूर्ण करते यार अनेक प्रमाण देखा मिलता है। दर्शक बंधु ए प्रकार कथा शुणा को मिले आम जो उग्र तारा महिमा गायन करुचे माँ मंदिर प्रवेश मात्र के जगमोहन केन्दुझर राजा बलभद्र नारायण भंजकर नाम एक फलक देखा मिलता है। सेठाकार लोक मैंने ए प्रकार लोककथा कथनिकार वर्णना करिथिवार प्रमाण मिलिथाय जे घटगाँवें माँ तारिणी जेहेतु निवास करुछन्ति एवं माँ को ना होछि तारा तारा एवं तारिणी ये जो विचित्र समन्वय रही परिप्रकाश करिवा निमन्ते निजे केन्दुझर राजा बलभद्र नारायण भंज तारादेवी पीठ को आसी माँ को प्रणाम पूर्वक गोटे घटरे अभिमंत्रित जल नहीं निज राज्य को जाइथिले एवं परवर्ती काल रे घटगाँ तो बहु पूर्वर अच्छा एवं घटगाँ सहित ए शब्द एवं घट नहीं घटरे जल नहीं जीवार एवं सेठी रखी माँ को पूजा करिवार ये दुईटी कथा मध्य मिलन करा जाए घटगाँ नाम नामित होली कथा शुणा को मिलता है जदि चो यार विशेष कौन सी प्रमाण देखा मिलती ना। भक्तबंधु एतद् भिन्न उग्र तारा निकट में जितेबले शारदीय दुर्गोत्सव शुभारंभ हुए अर्थात आश्विन मास कृष्णपक्ष अष्टमी जहाँ को मैं मूलाष्टमी भाव में अभिहित करें से दिन माँ को सहस्र कुंभाभिषेक नीति अनुष्ठित ही माँ को निकट में स्वतंत्र जल घट बसी थाए माँ को त्रिधूप त्रिकाल अर्चन अर्थात प्रातः काल मध्यान काल और संध्या काल प्रत्येक संधि ही माँ नील सरस्वती उग्र तारा आराधना कराए स्वतंत्र भाव में महासप्तमी महाअष्टमी और महानवमी दिन माँ का निकट में आमिष भोगर व्यवस्था रही पोड़ा माछ बळी प्रदान करिवार मध्य स्वतंत्र आयोजन देखा मिलता है। पंचमकार पूजा मत्स्य मांस मुद्रा मद्य एवं मैथुन ये पंचमकार पूजा जो वामाचारी साधक मैंने माँ का निकट में निवेदित करते माँ तांकर बलिभोज्य ग्रहण पूर्वक समस्त बांछा लिप्सा इप्सा को परिपूर्ण करते निसंदेह। दर्शक बंधु माँ होचंती परम कृपामयी आउ माँ जहाँ को थे कृपा करवा आरंभ करती तार संसार कौन सी प्रकार असंभवता रही ना ता प्रमाण स्वरूप आप देखिए जोठारे देवी पीठ से भगवान शंकर आराधना कराए तार महात्म्य खूब बेसी उग्र तारा सम्मुखें महादेव मंदिर अच्छे तार नाम ग्रामेश्वर महादेव एवं से ग्रामेश्वर महादेव निकट में रुद्राभिषेक एवं उग्र तारा निकट में संपुट चंडी पाठ जो व्यक्ति करी महाप्रभु माने महादेव आ महामायंकर विशेष कृपा प्राप्त हो जीवन रे आनंद लाभ होता है। आउ महादेव स्वरूप भगवान ग्रामेश्वर रही सम्मुख भागे एतद् भिन्न माँ मंदिर दक्षिण पटे दुई गोटे पुष्करिणी आम देखि था झर पुष्करिणी एवं तन्मध्यर गोटे पुष्करिणी जल आनयन कराई माँ सेवा अर्चना पूजा अनुष्ठित होता है। माँ निकट में रात्रि महापूजा अनुष्ठित हुए जहाँ महाश्मशान भाव अभिहित कर सिद्ध तारापीठ जोठे बामा खेपा पी प्रख्यात तारा साधक मैंने अवस्थान करी संधि पूजा करुथिले तंत्र पूजा करुथिले से महाश्मशान रु मध्य अनेक कौलाचार साधक माने वर्तमान पर्यंत आम ओडिशार भूषंडपुर उग्र तारा पीठ को आसती सेठे महापूजा अनुष्ठान करी थांती माँ संतुष्टि विधान निमंते प्रकृत पक्षे माँ बड़ विचित्र भाव करुणामयी आ माँ विशेष कृपा को लाभ करने भक्त मान आज पर्यंत माँ निकट भक्तिपूत अर्घ्य निवेदन करने सहित भिड़ देखा मिलूँ। माँ मंदिर एक प्रमुख उत्सव हूँ रज पर्व जहाँ को ओडिशार गणपर्व भाव अभिहित कराए रज महोत्सव माँ पीठ से खूब जाकजमकतार सहित पालन कराए समय माँ रज पर्व समय जे माँ को दर्शन कर तार बह जाए जो कुमारी मानकर बह पार नए अनेक काल धरी एवं उग्र तारा को रज महोत्सव समय रे दर्शन करी माँ लागी प्रसाद ग्रहण करने फल से माने खूब शीघ्र विवाह करी थांती ए कथा मध्य सुनिबा को मिले। सतरे माँ अनुग्रह जहाँ प्रति हो जीवन रे सुख शांति स्वाच्छंद्य आनंद आसीज
ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଷୋଳଶାସନରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଳା କରନ୍ତି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରନ୍ତି। ପୁରୀର ଷୋଳଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଅନେକ ଶାସନର ସାମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସର ଶନିବାର ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଳା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତାରା ଦେଇ ମେଳା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବହନ କରିଥିବା ତାରାପୀଠ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରାପୀଠ ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ବହନ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସରସ ଏବଂ ରସସିକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୀଙ୍କର ମହିମାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନାରେ ଅଭିଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର ନୂତନ ବନ୍ଦନାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ। ସିଂହବାହୀ।